मौदा के पावड़दोना में स्थापित परमात्मा एक आश्रम के हर साल की तरह इस साल भी भव्य सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर ध्वजारोहण, वन भोजन, सामूहिक हवन और सेवकों को मार्गदर्शन किया जाएगा। हर साल होने वाले इस सम्मेलन में विविध जगह से लाखों भाविक शामिल होते हैं। इस साल 10 से 12 लाख भाविक आने की संभावना को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन और व्यवस्थापन की ओर से सभी तैयारियां की जाने की जानकारी परमात्मा आश्रम के अध्यक्ष राजू मदनकर द्वारा दी गई। मैं अध्यक्ष परमात्मा सेवकमंडळ राजू मदनकर 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त या ठिकाणी भव्य सेवक मेळावा व मजनाचा कार्यक्रम, अंधश्रद्धा निर्मूलन, भ्रूणहत्या, वाईट व्यसन, दारूबंदी या विषयावर या ठिकाणी सत्संग, भगवत कार्य, चर्चा बैठक या ठिकाणी होणार आहे। आणि जे येणारे भाविक जे आहेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान यातून येणाऱ्या सर्व भाविकांना विनंती करतो की आपण गर्दी पाहता आपण सर्वांनी गर्दीमध्ये न जाता थोडासा काळजीपूर्वक यावं, कारण यावर्षी या मौदा आश्रम, मानवधर्म आश्रममध्ये कमीत कमी 8 ते 9 लाख लोकांची जनसंख्या या ठिकाणी राहणार आहे। आणि म्हणून या गर्दीच्या इतर असामाजिक तत्वांनी फायदा उचलला नाही पाहिजे याकडे सर्व भाविकांनी लक्ष द्यावं, अशी परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाच्या वतीने मी आपल्या सर्व सेवक बांधवांना, भगिनींना विनंती करतो। BCN न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे।